जब गाइज कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आदि सिंह। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यूट्यूब के अंदर एक सेटिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपलोड डिफॉल्ट सेटिंग। तो उस सेटिंग के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप वो सेटिंग कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर तो आपके जो है सो बहुत हेल्प होंगे यूट्यूब अपलोडिंग के टाइम में। गाइज कहने का ये मतलब हो गया कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो हमेशा हम जो है सो डिस्क्रिप्शन जो है सो एक ही डिस्क्रिप्शन सारे वीडियो के अंदर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन को कहीं कॉपी करके जो है सो पेस्ट करके रखे हुए रहते हैं सेव करके, और वहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और जब भी वीडियो अपलोडिंग करते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करते हैं। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोडिंग करते हैं तो कभी कभी डिस्क्रिप्शन लिखना ही भूल जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो फाइल भी डिलीट हो जाता है, इसके वजह से जो है फिर से डिस्क्रिप्शन जो है सो कॉपी करना पड़ता है या डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ रहा है। तो YouTube के अंदर जो है सो अपलोड डिफॉल्ट नाम का एक सेटिंग है जहाँ पे जो है सो आप सब कुछ जो है सो एक बार डाल दीजिएगा तो वीडियो अपलोड करते टाइम में जो है सो ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। यानी कि अगर आप वीडियो जो है सो अपलोड कर रहे हैं और अपलोड करने के बाद जो है सो हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन जो है सो कॉपी करके लिख रहे हैं, तो अगर आप एक ही उसमें अपलोड डिफॉल्ट सेटिंग में अगर आप ये कर देते हैं तो जब भी आप कोई वीडियो अपलोड कीजिएगा तो बिना आपको लिखे हुए वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है सो डिस्क्रिप्शन जो है सो आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो के बारे में दो तीन लाइन लिखना होगा तो उसमें जो है सो आप एडिट करके जो है सो इजिली लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइमिंग भी बचेगा और यूट्यूब कुछ सोच समझ कर ही ये सेटिंग जो है सो आपको दिया है, और बहुत ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो यही सेटिंग को यूज करते हैं। तो जब YouTube इतना सारा सेटिंग दिया ही है तो क्यों ना हम यूज करें, और जबकि वो बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। और काफ़ी बार गाइज क्या होता है कि जब भी हम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, लैपटॉप से हो गया या फ़ोन से हो गया, तो अपलोड करते टाइम कभी कभी हम लोग जो है सो वीडियो को प्राइवेट करना भूल जाते हैं और वो पब्लिक में अपलोड हो जाता है, और अपलोड होने के बाद वो गलती से पब्लिश हो जाता है बिना टाइटल का बिना थंबनेल का। तो इस वीडियो में जो है सो डिफॉल्ट सेटिंग में आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी हम लोग जो है सो वीडियो को अपलोड करें तो ऑटोमेटिक वो वीडियो प्राइवेट में ही अपलोड हो, और जब प्राइवेट में अपलोड हो जाए और उसका एडिट करके पूरा सेटिंग हम सही से कर लें तब जो है सो वो पब्लिक हो। तो इसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कहाँ पे वो अपलोड डिफॉल्ट सेटिंग मिल जाएगा। और ये करना आपके लिए जो है सो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा सेटिंग, बहुत थोड़ा ही टाइम आपके पास जो है सो बचेगा, लेकिन ये कर लीजिएगा तो कभी अगर बाहर ट्रैवल आप करते रहते हैं और कोई वीडियो अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो अपलोडिंग कीजिएगा, टाइटल लिखकर जैसे पब्लिक कीजिएगा, आपका डिस्क्रिप्शन सब कुछ उसमें जो है सो ऑटोमेटिक रेडी रहेगा, आपको लिखने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और गाइज उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन आता है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि यहाँ पे हम जितने सारे वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल पाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि ये सेटिंग जो है सो कैसे करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप अपने YouTube चैनल पे आ जाइए और यहाँ पे क्लिक करके आप क्रिएटर स्टूडियो में आ जाइएगा, और चैनल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड डिफॉल्ट्स के नाम से। अब इसमें क्या है कि इसमें जो भी कुछ आप अगर अभी फिल करते हैं तो वो जो है सो आपके वीडियो अपलोड करते ही ऑटोमेटिक उसमें जो है सो चला आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं तो प्राइवेसी आता है, तो यहाँ पे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो पब्लिक में अपलोड होता है, उसे हमको वहाँ से प्राइवेट करना होता है और कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है सो हम इसमें प्राइवेट कर देंगे, तो जब भी हम कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे तो वो प्राइवेट में अपलोड होगा, और जब एडिट कर लेंगे तो एडिट में जाकर जो है सो वहाँ से पब्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके वीडियो का कौन सा कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे नीचे अगर डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं तो वहाँ पर सबसे नीचे कैटेगरी आपको जो है सो मिलता है कि कौन से कैटेगरी का है। तो ये देना बहुत जरूरी है ताकि आपके चैनल के कोई वीडियो देखे, डिस्क्रिप्शन ओपन करे तो उसे पता चल पाए कि आखिर ये किस चीज़ के रिलेटेड जो है सो चैनल है। तो इस पर क्लिक करके जो है सो आप कुछ भी दे सकते हैं, इसमें से जो भी होगा आपको वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सो हम दे देंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। अगर टेक चैनल है तो वो दे सकते हैं और जो भी चैनल होगा वो दे सकते हैं। यहाँ पे लाइसेंस का बात आता है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रहने दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइटल का, तो हर वीडियो का टाइटल एक नहीं होता है, इसके लिए हम इसमें टाइटल नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप आ गया डिस्क्रिप्शन का। अब डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ऐसे चीज़ है जो हम हर वीडियो में एक ही डिस्क्रिप्शन देते हैं, और जो भी कुछ अगर वीडियो के बारे में दो तीन लाइन लिखना होता है वो ऊपर हम लिख देते हैं। जो है सो यहाँ पे जो है सो डिस्क्रिप्शन हम लिख
लिखकर रखे हुए हैं नोटपैड में यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीज़ जो है सो मेरे हर वीडियो के नीचे आपको जो है सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसमें हम पेस्ट कर देंगे। अब मानकर चलिए कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे हम एडिटर में चले जाएंगे और वहाँ पे जो है सो यहाँ पे एक दे देंगे क्लिक करके, और एक स्पेस देकर जो भी वीडियो के बारे में 2-3 लाइन लिखना होगा वो हम लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टैग्स का, तो हर वीडियो का टाइटल और टैग्स जो है सो हमेशा अलग अलग होता है, लेकिन इसमें वो टैग्स आप दे सकते हैं जो आप हर वीडियो के जो है सो टैग्स में यूज करते होंगे। जैसे कि हम अपना चैनल का नेम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये चैनल का नेम जो है सो हम हर टैग्स में देते हैं ताकि मेरा चैनल जो है सो रैंक करे, सर्च करने पे ऊपर मिल जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कमेंट एंड रेटिंग का, तो ये क्या हो जाता है कि अगर इसमें टिकाउट रहने देते हैं तो कमेंट आपका शो करता है, ठीक है, कमेंट आर डिसेबल जो लिखा हुआ रहता है वो शो करेगा, कोई भी कमेंट कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है टिकाउट रहने देते हैं तो कोई भी वीडियो का जो है सो लाइक और डिसलाइक देख सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी वीडियो का जो है सो कोई कमेंट ना कर पाए तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा वीडियो में कोई लाइक डिसलाइक जो है सो देख ना पाए तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये दोनों हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोनेटाइज विद एड्स के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सो 4 तरह के ऐड मिल जाते हैं। यहाँ पे ओवरले वीडियो हो जाता है, स्किपेबल वीडियो हो जाता है, नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स हो जाते हैं, और स्पॉन्सर्ड कार्ड्स हो जाते हैं। तो हम आपको ये बोलेंगे कि अगर आप नया चैनल ओपन किया है तो यही तीनों जो है सो रहने दीजिएगा, क्योंकि 4th नंबर ये नॉन स्किपेबल करते हैं तो इससे जो है CTR काफी ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ अब चेंजेस नहीं करना है, बस इतना ही कर देना है, और इसके करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव जो है सो कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है सो सेव हो चुका है, और यहाँ पे आ भी रहा है कि योर चेंज वेयर सेव्ड, तो ये जो है सो सेव्ड हो चुका है। आप सेव पे क्लिक करके आप इसे सेव कर लीजिएगा। गाइज ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें पता चल जाए कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ है, और साथ में हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।